सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिस तरीके से अंग्रेज करते थे भारतों पर शासन करो डिवाइड एंड रूल, वही नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनाते हैं। मेरे खुद के परिवार को उन्होंने तोड़ने में डिवाइड एंड रूल भारतों पर शासन करो की उन्होंने भूमिका का इस्तेमाल किया, मेरे परिवार के सदस्यों को तोड़ने का प्रयास, मेरी पार्टी को उन्होंने तोड़ने का काम किया, निरंतर काम में उन्होंने तमाम प्रयास किए। क्यों? ताकि चिराग पासवान को तोड़ो, चिराग पासवान को झुकाओ। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान की वजह से आज मुख्यमंत्री जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों की आवाज उठाता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बेहतर शिक्षा की बात करता है, चिराग पासवान बिहार में ही रोजगार की बात करता है, चिराग पासवान बिहार से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करता है। इसलिए क्या करो, इसके घर को तोड़ो, इसके चाचा को अलग कर दो, इसके भाई को अलग कर दो, इसकी पार्टी को तोड़ दो, इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, इसका सिंबल छीन लो। कीजिए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो करना है कीजिए। चिराग पासवान राम विलास पासवान का बेटा है, एक शेर का बेटा है। जब मेरे पिता कभी झुके थे आपके सामने, जब मैं कभी झुकूंगा आपके सामने, आप लाख प्रयास करेंगे मुझे तोड़ने का, मुझे झुकाने का, पर जब तक मैं बिहार को विकसित नहीं बना लूंगा, आपके सामने को मैं सात जन्म में कभी झुकने नहीं दूंगा। अगर मुझे सिर्फ सत्ता का ही सुख बोलना होता तो आपके सामने 2020 के चुनाव में मैं जाता, नतमस्तक होता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझे आशीर्वाद के तौर पर 15 सीटें दी गई, जो 15 सीटें लड़ो, उन 15 सीटों में से हकीकत है कि मैं 12-13 सीटें जीतता। दो मंत्री मेरे बिहार में होते और आज मैं खुद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आप लोगों के सामने होता, और अगर ऐसा हो गया होता तो मैं अपने स्वर्गीय पिताजी से कभी आप नहीं मिला पाता, मैं आप लोगों से कभी आप नहीं मिला पाता। अगर मैं ऐसा करता तो सिर्फ अपने स्वार्थ को साधता और आप लोगों के सपने को चकनाचूर करता। आज बिहार में मुझे गर्व होता है कि भैया अगर शिक्षकों की कोई आवाज उठा रहा है तो चिराग पासवान है, छात्रों की कोई आवाज उठा रहा है तो वो चिराग पासवान है, बुजुर्गों की कोई आवाज उठा रहा है तो वो चिराग पासवान है, महिलाओं की कोई आवाज उठा रहा है तो चिराग पासवान है, युवाओं की कोई आवाज उठा रहा है तो वो चिराग पासवान है, और लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास पासवान के माध्यम से निरंतरता में हम लोगों ने जो संकल्प लिया है बिहार को विकसित बनाने का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मेरे नेता मेरे पिताजी अंतिम सपने के तौर पर मुझे ये संकल्प देकर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का संकल्प, और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से आप लोगों ने साथियों सबको देखा, बिहार में जितनी राजनीतिक दल है छोटे बड़े सबको आपने सरकार में देखा। बस ये एक आग्रह आप लोगों से करने आया हूँ कि एक मौका मौका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और अब तो हम लोगों ने गर्व की बात है कि भैया हमारी पार्टी के साथ हमारे नेता का नाम, एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो यही का बेटा है, कुशेश्वर स्थान जिनका ननिहाल रहा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम अब हमारी पार्टी के साथ जुड़ गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर हम लोग को मिला है भाई, हेलीकॉप्टर आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोचते थे कि उस पर बैठने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। कैसे घूमते थे हेलीकॉप्टर पर, याद है ना, जब जब बाढ़ का पानी आता था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना उड़न घटोरा निकालते थे और हेलीकॉप्टर से पूरे प्रदेश में घूमते थे, जमीन पर नहीं उतरना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर उतर जाएंगे तो जमीन की हकीकत उनको पता चल जाएगी, बिहार की बदहाल सूरत उनको पता चल जाएगी, पता चल जाएगा कि कैसे बाढ़ प्रभावित लोग खाने के लिए अनाज के लिए राशन के लिए मोहताज है, कैसे गिड़गिड़ाते हैं यहाँ के लोग राशन मिलने के लिए, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखना नहीं चाहते थे तो हेलीकॉप्टर से घूमते थे, और उनको लगता था कि अधिकार से घूमने के पास है। बहरहाल ये वादा मैं आप लोगों को करके जाता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा मेरे नेता ने मोबाइल फोन के बारे
उस वक्त सिर्फ अमीरों के हाथ में होता था जब हमारे नेता संचार मंत्री थे। उस दिन उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब मेहनत के भाव मोबाइल फोन दिखेगा हर रिक्शा वाला हर रिक्शा वाला के हाथ में और आज उनका ये सपना सच है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है और ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि जो हेलीकॉप्टर जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी जायदाद समझते थे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे आज उस हेलीकॉप्टर को लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ और एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार का गरीब से गरीब व्यक्ति भी हेलीकॉप्टर की सवारी करेगा। ये हेलीकॉप्टर जितना ऊंचा उड़ेगा उतना बिहार में विकास की गति बढ़ेगी ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बस ये विश्वास आप लोगों से चाहता हूँ कि इस चुनाव में मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। पिछले चुनाव में भी आप लोगों का खूब आशीर्वाद मिला खूब समर्थन मिला पर इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ जीत का आशीर्वाद आप लोगों से चाहता हूँ। आप सबसे आग्रह करता हूँ यहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं बुजुर्ग मौजूद हैं मेरे युवा साथी मौजूद हैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने अपने पंचायत अपने अपने गांव अपने अपने घर जाएं और वहाँ पर जाकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में सबको बताएं और बताएं कि कितना जरूरी है इस बार हेलीकॉप्टर छाप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी अंजू देवी जी को जिताना। आप जितना मजबूत अंजू देवी जी को करेंगे उतना मजबूत चिराग पासवान होगा और जितना मजबूत चिराग पासवान होगा उतनी जल्दी हम हमारे नेता के सपने को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हम लोग पूरा कर पाएंगे। शाम क्या होगा